राम विलास पासवान, इन्हें भारतीय पॉलिटिक्स का वेदरमैन कहा जाता था। कहते थे कि इलेक्शन के पहले जिस पार्टी से कोएलिशन बनाते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की वेदर को बहुत अच्छे से समझते थे। इनकी पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई और इनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी को लीड करना शुरू करा। एक साल से भी कम समय में बेटे और चाचा के बीच की लड़ाई में पार्टी बिखरती हुई दिख रही है। भारत की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नेपोटिज्म पर आधारित हैं, और ये बात सिर्फ LJP तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ज़्यादातर रीजनल पार्टीज डायनेस्टिकली ऑपरेटेड हैं, फैमिली रन बिजनेस की तरह चलती। एक तरफ ये उनकी मजबूरी भी है, वहीं दूसरी तरफ ये उनके पतन का कारण भी बनता है। हमारे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए इस चीज़ के पीछे की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रीजनल पार्टीज को डायनेस्टिकली ऑपरेट करना पड़ता है, एक फैमिली रन बिजनेस की तरह चलना पड़ता है। पहला कारण है इनसिक्योर पॉलिटिशियंस। ज़्यादातर रीजनल पार्टीज की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होती हैं और बहुत जल्दी इररिलेवेंट भी हो सकती हैं, और इसी के लिए उनके जो लीडर्स हैं वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, और इस इनसिक्योरिटी के चलते वो अपने नीचे किसी ऐसे पॉलिटिकल लीडर को बड़ा नहीं होने देते जो उन्हें रिप्लेस कर दे या उनकी पार्टी को तोड़कर नई पार्टी बना ले। और इसी डर से खुद को बचाने के लिए वो ज़्यादातर उत्तराधिकारी अपने बेटे या बेटियों को ही बनाते हैं। और ये होते हुए हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा है, सपा, RLD, RJD, JDS, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। दूसरा है फैमिली रन इज द सेफेस्ट ऑप्शन। देखिए, रीजनल पार्टीज बहुत बड़ी नहीं होती, आप अपने परिवार से हटकर किसी एक लीडर को अपना उत्तराधिकारी चुनने की कोशिश करें और आपकी पार्टी में तुरंत बगावत होने की संभावना है। टॉप के कुछ 4-5 लीडर्स रहते हैं जो कि हेड के जस्ट नीचे आते हैं, और वो चारों पांचों लोग अपने आप को इक्वली पावरफुल समझते हैं और अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे में उसमें से एक लीडर को अगर किसी हेड ने चूज़ कर लिया तो बाकी 4 लोग अपने अपने सपोर्ट बेस को लेकर पार्टी छोड़ सकते हैं, और इस बात का डर लीडर्स के मन में बना रहता है, जिसे अवॉइड करने के लिए वो मजबूरन भी अपनी पार्टी को फैमिली रन बिजनेस की तरह चलाते हैं। तीसरा है फाइंडिंग गुड लीडर्स इज टफ। आप सोचिए कि कोई रीजनल पार्टी का हेड है जो अपने आप को लेकर इनसिक्योर भी नहीं है और उसे अपनी पार्टी में बगावत का खतरा भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो किसी लीडर को ऐसे कल्टीवेट करना चाहे अपनी ही पार्टी में जो फ्यूचर में कभी उसे रिप्लेस कर सके, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लीडर्स समय से पहले ही अपने हेड के साथ लड़ाई कर बैठते हैं और मोस्टली पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बना लेते हैं, और ये भी होते हुए हमने कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखा है। तो इस हाइपोथेसिस से समझ में आता है कि क्यों हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में डायनेस्टी और नेपोटिज्म इतना प्रेविलेंट है। मगर अब सवाल ये आता है कि क्या ये हानिकारक है या ये फायदेमंद है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हानिकारक है, और इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि नेक्स्ट जेन इज टू कंफर्टेबल। जो फर्स्ट जेन का लीडर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, उसने अपने दम पर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की होती है, वो एक स्ट्रीट फाइटर होता है, उसमें सूझबूझ होती है और उसने बहुत प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, बट उसके बच्चे बच्चियाँ उस पावर में पैदा होते हैं, वो उस रेलेवेंस और उस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बेटे बेटियाँ होने का सुख भोगते हैं। वो स्ट्रीट फाइटर नहीं होते और ना ही उन्हें स्ट्रीट फाइट करना आता है, और इसी वजह से वो उतने स्मार्ट भी नहीं होते अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने के लिए या उसे एक्सपैंड करने के लिए। और ज़्यादातर आप सिचुएशन में देखेंगे ऐसे ही लीडर्स पार्टियों को डुबाते हैं और पार्टी को पतन की तरफ ले जाते हैं। दूसरा कारण, द पार्टी इज फिल्ड विद यस मैन। अब जब भी आप कभी पार्टी को फैमिली बिजनेस की तरह रन करने की कोशिश करें तो आपके पास अच्छे लीडर नहीं आएंगे, आपके अंडर कोई ऐसा लीडर काम करना नहीं चाहेगा जिसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन हो, क्योंकि उसे पता है कि हमेशा मेन पोस्ट पर तो आपके ही बच्चे बच्चियाँ रहेंगे। इस वजह से आपकी पार्टी यस मैन से भर जाती है। अब आपको क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार फेल होते रहे मगर फिर भी कांग्रेस के अंदर क्या किसी की हिम्मत है जो ये कह सके कि राहुल गांधी को शायद अब इतना प्रोमिनेंस कांग्रेस में नहीं मिलना चाहिए और दूसरे लीडर्स को ऊपर बिठाया जाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसी यस मैन की जो फौज आप खड़ी करते हैं, वो आपकी बात को बार बार हर बात में हाँ मिलाते हुए आपकी पार्टी के गलत डिसीजन को भी सपोर्ट करते हैं और आपकी पार्टी को पतन की ओर ले जाते हैं। तीसरा है शैडो ऑफ लेगेसी। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी शुरू होती है तो उसका जो सबसे पुराना लीडर होता है उसकी लेगेसी बहुत बड़ी होती है, और उसके बेटे बेटियों की जितनी भी पर्सनैलिटी है उसको बार बार जनता उसी लेगेसी से कंपेयर करना चाहती है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का जितना भी नाम है, उनके बेटे उनका 1/10 भी नहीं कमा सकते। यूपी के अंदर
भले ही अखिलेश यादव सीएम बन गए हों, मगर मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे हमेशा उनका कंपैरिजन होता है और उनकी पर्सनैलिटी मुलायम सिंह की लेगेसी के आगे कंपेरेबल भी नहीं है। चौथा कारण है फैमिली इज़ फाइट। अब देखो भाई, फैमिली रन अगर आप बिजनेस चलाओगे तो उसमें फैमिली वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हर फैमिली का इंसान अपने आप को एंटाइटल्ड समझेगा और उनके बीच में क्लैशेस भी फैमिली वाले ही होंगे, जहाँ पर डिसीजन इमोशन से लिए जाएंगे, ना कि सूझबूझ से या एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर नेपोटिज्म की प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के अंदर भी नेपोटिस्टिक लीडर्स हैं जो अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, मगर बीजेपी की जो लीडरशिप है वो नेपोटिस्टिक नहीं है, वो एक प्रॉपर तरीके से चुनी जाती है। इसीलिए जो बीजेपी का ऑपरेटिव मॉडल है वो इन नेपोटिस्टिक पार्टीज से काफ़ी अच्छे तरह से और एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। अगर आप इस नेपोटिज्म के हार्मफुल इफेक्ट का एग्जांपल देखना चाहें तो आप बहुत एग्जांपल्स देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की स्टेज फाइट आप देख सकते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में फाइट हुई और वहां पर चाचा का भी एंगल आपको देखने को मिला। आप देख सकते हैं आरएलडी, जहां पर चौधरी साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, मगर उनके जाने के बाद उनके बेटे अपनी पार्टी की रेलेवेंस को कभी भी उस लेवल पर नहीं ले जा सके। आप देख सकते हैं जेडीएस, जहां पर एचडी देवेगौड़ा एक समय पर हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके बेटे जब उन्होंने कर्नाटक में सरकार चलाई तो लगातार उनके बस रोने वाली ही तस्वीरें निकल कर आती रहीं। आप देख सकते हैं आरजेडी में लालू प्रसाद यादव का इतना बड़ा टावरिंग पर्सनैलिटी, उसमें क्रिमिनल का इतिहास भी है और उन्होंने किस तरह से ऑपरेट करा बिहार में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उस पर ना जाते हुए उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस अगर देखें तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। और अभी आप उनके बेटों को देखें, एक बेटा तो तरह तरह से ड्रेसेस पहनकर फोटो खिंचवाता है और दूसरे बेटे की भी पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी 1/10 भी नहीं है। इन कंक्लूजन में भी नेपोटिज्म इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल, ये बैड सिस्टम्स को रिप्लेस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने, जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोज आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से, वहां पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीजों को इंप्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहां पर मिलूंगा, उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।